और अब बात झांसी की। झांसी जिले में ग्राम पंजा में एक युवक को 2 महीने पहले उसके ही गांव के कुछ दबंगों ने उसे जान से मार डाला था, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं मृतक युवक की दिव्यांग मां अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। युवक के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं और दिव्यांग महिला पर मुकदमा वापस लेने का जो दबाव है वो बनाया जा रहा है। न्याय के यानी कि न्याय की आस में आला अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रही महिला को कार्रवाई के नाम पर आए दिन पुलिस नए नए आश्वासन देती नजर आ रही है। हमारा बच्चा खत्म हो गया, बच्चा खत्म हो गया, बच्चा खत्म हो गया तो हमारे घर पर डाल दिया, कुछ नहीं बताया। और कोई है अंदर जाने? पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई अभी तक? लिख तो मुकदमा लिख चुका है, लेकिन अभी अपराधी जेल नहीं गए।